हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बेस्ट सेलर एंड जेनेरियो फिक्शन। कल मैंने आपसे पोस्ट के थ्रू ये पूछा था कि किन स्टूडेंट्स को समरी चाहिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यस कहा था। तो आज की वीडियो में मैं समरी की PDF लाया हूँ। इसमें चार यूनिट्स की PDF है, ठीक है, जिसमें चारों यूनिट्स का समरी आप कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। आप जिसमें चाहें उसे पढ़ सकते हैं। इसकी PDF लेना काफ़ी ईजी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको समरी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बट जो समरी की PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके वीडियो के थ्रू मैं वीडियो में आपको समरी दिखा भी दूंगा कि किस तरह से समरी लिखी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला यूनिट आता है द ब्लू अम्ब्रेला, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर इस वीडियो को देखें, आपको समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिखा गया है रुस्किन बॉन्ड द्वारा। तो आप देख सकते हैं समरी ऑफ द कैरेक्टर, चैप्टर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर चैप्टर की पूरी समरी दी गई है। तो कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि इस चैप्टर में जो बताया गया है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपसे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, या फिर ब्लू अम्ब्रेला जो कि इस चैप्टर का नाम है, और इस कहानी में भी एक ब्लू अम्ब्रेला की ही कहानी है, नीले रंग की छतरी की, जो कि एक लड़की के पास होती है, ठीक है। तो वो जो लड़की के पास होती है, बिनिया नाम होता है लड़की का, तो पूरा गांव उस ब्लू अम्ब्रेला से आकर्षित होता है, और लड़की से भी आकर्षित होता है, क्योंकि वो अम्ब्रेला उसके पास होता है। पर वहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस एक प्रकार से उस छतरे को छीनना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं लड़की से। तो वो सब इस कहानी में बताया गया है। अब देख सकते हैं पूरी की पूरी समरी अवेलेबल है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर अवेलेबल है। जो कि इंग्लिश में लिखा गया है वही उसे ट्रांसलेटेड करके हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखा गया है, आप हिंदी में पढ़ के अपने हिसाब से इंग्लिश में भी बना सकते हैं। चलिए यूनिट टू की तरफ चलते हैं। अब हमारा यूनिट टू आ गया है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। ये कहानी पूरी की पूरी शिव जी के एक इंसिडेंट पे बेस की गई है, ठीक है, बेस्ड है। और ये पूरी की पूरी एक नॉवल भी है। तो मैंने आपको पहले ही के कई वीडियो में बताया कि आपकी ये जो फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है, इसमें चार नॉवल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। पूरी की पूरी चार नॉवल्स हैं। द ब्लू अम्ब्रेला एक नॉवल है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा एक नॉवल है, ठीक है। ये पर्टिकुलर नॉवल्स हैं जिनके चैप्टर को समरी के टाइप से उठाया गया है और आपके बुक में दे दिया गया है आपके स्टडी के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 5 चैप्टर सीधा ही बता दिया गया है। तो 1 से 5 चैप्टर की समरी ये है। चैप्टर वाइज समरीज ऑफ द नॉवल द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, आप देख सकते हैं इसकी समरी काफ़ी बड़ी है, तो इसको पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप जाके वहाँ से फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। हिंदी में भी ये समरी अवेलेबल है, ठीक है। फिर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक की समरी ये है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है आपके पास। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी पहली बात, और दूसरी बात आप हिंदी में समझ के आप इंग्लिश में उसे अपने पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 से 15 तक भी अवेलेबल है इसमें। तो कहा मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स दिए गए हैं। देन चैप्टर नंबर 60 से 20 तक, ट्वेंटी वन से 26 तक, एंड देन आपका यूनिट नंबर 3 आ जाता है।
यूनिट नंबर 3 भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक नॉवल ही है, जिसका नंबर नाम है द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी बाय अलेक्जेंडर मैककॉल स्मिथ। ठीक है, तो द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी ये आपकी नॉवल का नाम है और आपके चैप्टर का भी नाम है, जिसकी समरी यहाँ पे दी गई है, चैप्टर वाइज समराइज्ड ऑफ अ नॉवल। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 1 से 4 तक आपको यहाँ की समरी बताई गई है। हिंदी में भी अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 5 से 9 यहाँ पे दिया गया है, अब देख सकते हैं। अगर आपसे समरी पूछी जाती है, ठीक है, तो आप समरी इसमें से लिख सकते हैं चैप्टर की, चाहे तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी जाती है तो भी आप इसमें से पढ़ के ढूंढ के उसे लिख सकते हैं एग्जाम्स में। चैप्टर नंबर 10 से 15 तक इसमें बताया गया है। देन चैप्टर नंबर 16, ठीक है, 16वां चैप्टर, 17 से 19 तक, 20 चैप्टर नंबर 20, 21-22। तो ये जो नॉवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी नॉवल्स हैं, ठीक है, तो इनको जो पढ़ने में होता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब यूनिट नंबर 4 आता है आपका, जो कि है पेपर टाउन, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन ग्रीन के द्वारा लिखा गया, यूनिट आपका 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चैप्टर्स में आप कह सकते हैं आपकी इस नॉवल को चैप्टर्स में नहीं बांटा गया है, पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, पार्ट 1 द स्ट्रिंग्स, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, पार्ट 2 द ग्रास, ठीक है, द स्ट्रिंग द ग्रास, पार्ट 3 द विसल, तो ये है आपकी कह सकते हैं कि आप पूरी की पूरी बेस्ट सेलर एंड जेनेरियो फिक्शन में जितने भी यूनिट्स हैं उन सबकी समरी की पूरी की पूरी पीडीएफ ये है। इस पीडीएफ में चारों यूनिट्स की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहाँ पर एक और लिंक दी गई होगी, आप चाहे तो इसे हमारे ड्राइव में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, ठीक है, तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।